पूछोगी नहीं? छाया दीदी कहाँ से आ रही हो? छाया दीदी कहाँ जा रही हो? नहीं, और वैसे भी मैं होती कौन हूं पूछने वाली? आप खुद समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, जहां चाहे जा सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं, और वैसे भी घर वाले अब मुझे पराया समझने लगे हैं। जो भी कहती हूं, जो भी करती हूं, बदनामी मेरी ही होती है, इसीलिए मैंने घर वालों की चिंता करनी छोड़ दी है छाया दीदी। पल्लवी, लोमड़ी अगर खरगोश की चाल चलने लग जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मासूम है। कहीं तुम भी ऐसा कुछ तो नहीं कर रही? पता नहीं आपकी बातें मुझे समझ क्यों नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि तुम चालाक बनने की कोशिश करती हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ हो, तुम समझ ही सब कुछ हो। और ना ही मैंने तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब तुम दे ना सको। बोले ये जो झूठे चेहरे पर तुमने सच्चाई का नकाब ओढ़ रखा है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। सच, सच्चाई, धर्म, ये सब बातें रामायण और महाभारत में ही अच्छी लगती हैं छाया दीदी। आजकल के जमाने में इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई नहीं मानता इन्हें। जानती हूँ मैं कहाँ से आ रही हूँ? पार्वती भाभी से मिलकर। जानती हो, आज भी ओम भैया इन्हीं आदर्शों पर चलकर अपनी सारी जिंदगी बहुत प्यार से गुजार रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है पल्लवी, नहीं है तो मेंटल पीस, और उन दोनों के पास कुछ भी नहीं मगर सुख, शांति, चैन, सुकून बहुत है। यू नो, दे आर सेटिस्फाइड विद लाइफ। हमारे पास ये सब इसीलिए नहीं है पल्लवी, क्योंकि हमारे मन में, हमारे रोम रोम में कपट, झूठ, नफरत भरी हुई है। मुझे किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। पल्लवी, सुधर जाओ, अभी देर नहीं हुई, वरना खुद की और घर वालों की नजरों से इस कदर गिर जाओगी कि लाख कोशिशें करने के बावजूद तुम उठ नहीं पाओगी। और फिर देखो ना, माँ बाबूजी तुम्हारे साथ उम्र भर तो रहने नहीं वाले, लेकिन तुम्हारा कमल किसी दिन उसे अपनी कदर करने वाली मिल गई ना पल्लवी, तो अकेली रह जाओगी। फिर मनाना जश्न इस बड़े से घर में, अकेले, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ, होगी तो बस तुम्हारी तन्हाई, सूनापन। अभी वक्त है, सुधर जाओ। अरे पार्वती, कितने दिनों बाद फोन किया, कैसी हो बेटी? श्रुति का ख्याल रखती हूँ ना, देखो उसे बाहर का खाने मत देना। जी माँ जी। और अपनी सेहत का ख्याल रखना, वक्त पे खाना खाना और पूरा आराम करना। ओम कैसा है बेटा, उसका भी ख्याल रखना। जी माँ जी। पार्वती, पार्वती तुम रो रही हो बेटी? नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है ना, इसलिए जरा सी आंखें भर आई हैं। आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे माँ जी। हाँ बेटा, मेरे कान भी तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गए थे। श्रुति को लेकर अगर हो सके तो मिलने आ जाना। आऊंगी माँ जी। बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। और नीरज, मिताली, प्रीति सभी अच्छे हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं। और मेरा कमल कैसा है माँ जी? अच्छा है। और पल्लवी? यही है, लो उससे बात कर लो। पार्वती का फोन है। हेलो पार्वती भाभी, मैं पल्लवी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ पल्लवी, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। जब से आप घर से गई हैं ना, आपके बिना मन ही नहीं लगता। अच्छा भाभी, आप घर वापस आने वाली थी ना, क्यों नहीं आई?
आजमाए हुए को फिर से नहीं आजमाना चाहिए पल्लवी। ये तो आपने अकलमंदी की बात कर दी। और अगर आप वापस आती भी क्या फायदा, क्या पता फिर से वापस जाना पड़ता। और वैसे भी भाभी, हम दोनों एक दूसरे को पहले ही आजमा चुके हैं। राइट पल्लवी, और तुम्हें तो मैंने बहुत करीब से आजमाया है। ये तो बहुत अच्छा किया। पता है पार्वती भाभी, एक बार जब धागा टूट जाता है ना, तो उसे जोड़ने के लिए उसमें गांठ बांधनी पड़ती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, एक बार उनमें गांठ पड़ जाए ना, तो फिर जिंदगी भर परेशान करते हैं। पल्लवी, वक्त ने अच्छे अच्छों को बदल दिया है। वक्त के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी पल्लवी। तुम अब भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो, जरा भी नहीं बदली। आप तो मेरा मकसद जानती है ना पार्वती भाभी, पहले आपको घर से निकाल दिया, अब देखना आगे आगे क्या करती हूँ। घर के सभी लोगों को अपनी उंगली पर नचाऊंगी। ज्यादा घमंड मत करो पल्लवी, क्योंकि घमंड करने वालों की क्या दुर्गति होती है, ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सोच रही हो कि सबको अपनी उंगलियों पर नचाओगे, लेकिन उससे पहले भगवान सबको सही रास्ता दिखाएंगे। पल्लवी, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझती हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी समझदारी ही तुम्हें ले डूबे। ठीक है पल्लवी। छाली थी आप मेरे कमरे में? हाँ, वो मैं तुम्हारे पास, मेरा मतलब है मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी? जरूर कोई खास काम होगा। वो मुझे तुम्हारी लाइट ब्राउन साड़ी चाहिए, मेहमान आने वाले हैं ना घर पर। लाइट ब्राउन साड़ी कौन सी? वो है ना तुम्हारी बहुत अच्छी सी है, फ्लोरल प्रिंट वाली लाइट ब्राउन। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट, ऐसे करते हैं तुम साड़ी निकाल लो, तब तक मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ। ओके ओके। हेलो। यस, क्या मैं मिसेस मेहता से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, आप कौन? मैं आपकी शुभचिंतक बोल रही हूँ। मैंने सुना है कि आपका बेटा छाया अग्रवाल से शादी करने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बहुत जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद होने से बच जाए, तो अपने बेटे की शादी छाया अग्रवाल से मत कीजिए। मतलब? देखिए, छाया अग्रवाल अच्छी लड़की नहीं है। एक बार पहले उसकी शादी हो चुकी है और एक बार वो घर बर्बाद कर चुकी है। अगर आपके बेटे की शादी छाया से हो गई, तो वो आपका घर भी बर्बाद कर देगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप कौन बोल रही हैं? ऐसी बातें बताने वाला अपना नाम थोड़ी ना बताता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर आप अपने घर की खुशियाँ चाहते हैं, तो ये शादी जल्द से जल्द रुकवा दीजिए। फोन तुमने मिसेज मेहता को किया था ना, वो दरअसल उन्हें नहीं, पार्वती भाभी को किया था। क्योंकि मैंने ही तुम्हारी डायरी में
मिसेस मेहता का नंबर मिटाकर पार्वती भाभी का नंबर लिखा था। ये प्लान पार्वती भाभी का ही था। हम दोनों जानते थे कि तुम अपना कोई ना कोई रंग जरूर दिखाओगी। क्या करें, तुम्हारी नस नस से वाकिफ है ना हम। पल्लवी, हमने घर की बहुओं को बेटियों का दर्जा दिया है ताकि वो इस घर में बेटियों की तरह रह सकें, बिना किसी डर और किसी चीज की कमी महसूस किए हुए। हर बहू के इस घर में कदम रखते ही मैंने उसको एक उपहार दिया है ताकि उस उपहार को वो अपने पास जिंदगी भर रख सके और उसके पीछे छिपे हुए अर्थ को समझ सके। पार्वती को मैंने एक रुद्राक्ष की माला दी ताकि वो इस घर के लोगों को एक माला की भांति एक धागे में पिरो कर रख सके, और ये काम उसने बहुत सूझबूझ के किया, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इस घर को पिरो कर रखने वाली वो माला ही टूट गई, वो मोती ही बिखर गए। पल्लवी, तुम्हारे आने पर मैंने तुम्हें एक रामायण दी थी और तुम्हें कहा था कि हमारी इस अयोध्या को सुख और खुशियों से भर देना, पर तुमने सुख और खुशियों को अपने कुकर्मों के नीचे दबा दिया। और तो और, हमारे राम और सीता को वनवास जाने पर मजबूर कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने लक्ष्मण के लिए एक उर्मिला नहीं बल्कि एक पल्लवी। तुमने मेरे घर को क्या से क्या बना दिया। कभी किस्मत ऐसे हालात पैदा करती है कि हमें अच्छे या बुरे का एहसास नहीं होता, और हालात के बहाव में आकर अगर हम बुरा करते हैं तो भी हमें वो अच्छा लगता है। दरअसल ये हालात किस्मत के नहीं, इंसान के खुद के पैदा किए हुए होते हैं। अब पल्लवी, तुमने मेरे सामने ऐसे ही हालात पेश किए कि मैं समझ नहीं पाई कि तुम सही हो या गलत। मैं चाहती थी कि मैं इस घर में कौशल्या बनकर रहूं, पर तुमने मुझे कई कई बनने पर मजबूर किया। तुम्हारे इन कुकर्मों पर तुम्हारे बाबूजी तुम्हें माफ कर दें। ओम और पार्वती भी अपना बड़प्पन दिखाकर माफ कर दें। शायद कमल और छाया भी माफ कर दें। पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।
पकड़ो मेरा हाथ और निकाल दो मुझे घर से, मुझे घर से निकाल दो कमल। मैं क्या करती कमल, मैं क्या करती? इस घर में किसी ने कभी भी मेरी मजबूरी ना तो समझने की कोशिश की, ना ही देखने की कोशिश की। शादी किसी और से होनी थी और करवा किसी और से दी। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी किसमें है। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि पल्लवी क्या तुम खुश हो, तुम्हारे घर वालों को तो छोड़ो, मुझे मेरे अपने, मेरे अपने माँ बाप की आंखों में उनकी मजबूरी नजर आ रही थी। मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो किसी को नजर नहीं आया, लेकिन उन सबको वो खुशियां नजर आई जो वो देखना चाहते थे। लेकिन मेरे अंदर का दर्द सबने नजरअंदाज कर दिया। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया कमल। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया, कोई पाप किया है, तो मुझे निकाल दो, मुझे इस घर से निकाल दो कमल। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पल्लवी, ना तो तुम्हें इस घर से प्यार मिला, ना ही इज्जत और खुशी। मैं एक सवाल का जवाब दो पल्लवी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरे सवाल का जवाब दो। पहले नहीं करती थी लेकिन अब मुझसे नफरत करती हो क्या? करती हूँ कमल, बस पल्लवी बस, रोना बंद करो पल्लवी। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा पल्लवी जहां तुम्हें प्यार, खुशी, इज्जत सब कुछ मिलेगी। रोना बंद करो, अपना सामान पैक कर लो, हम अभी यहां से जा रहे हैं। मुझे तो पल्लवी भाभी के आसार पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, और कई बार तो मुझे उनका बर्ताव बिल्कुल समझ में नहीं आता था। और पल्लवी भाभी के साथ जो हुआ वो तो होना ही था। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है, और जो कमल भैया ने किया बहुत बुरा किया। पल्लवी भाभी के साथ चले गए माँ और बाबूजी को अकेले छोड़कर, और उसी की वजह से माँ बाबूजी को आज कितने दुख सहन करने पड़ रहे हैं। भगवान करे इस घर की सारी पुरानी खुशियां वापस आ जाए। अरे साहब, पार्टी तो शुरू हो गई, पार्टी करने का अभी तक नहीं आए। मेरा मतलब मिस्टर कमल अभी तक नहीं है। बस आते ही होंगे। पल्लवी बेटा कमल को बुलाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी देख के आती हूँ पापा। अरे कमल कहाँ रह गए थे, कब से इंतजार कर रही हूँ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो। जल्दी क्या है, आज की ये शाम फिर थोड़ी ना लौटेगी। अच्छा कौन याद करा था, चलो मिलते हैं। आओ बेटा आओ। अरे बाबू जी। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस आज के इस खास शाम के खास मौके पर, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही
मिस्टर कमल अग्रवाल, जो अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी थे, आज से भंडारी ग्रुप ऑफ कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। होनहार, मेहनती और बिजनेस की सोच से भरे हुए मिस्टर कमल अग्रवाल आज के नए जमाने के यंग बिजनेसमैन में से एक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस वेलकम हिम विद बिग हैंड। थैंक यू पापा, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, जरूर, गो अहेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के शाम के खास मौके पर जहाँ मिस्टर भंडारी ने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए हैं, वहाँ मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इनके शान में दो शब्द कहूँ। दरअसल मिस्टर भंडारी इस शहर के वो महान हस्ती है जिनके तारीफ में मैं अगर दो शब्द भी कहूँ तो सुबह से शाम हो जाए। एक सुलझे हुए इंसान, एक बेहतरीन बिजनेसमैन और एक महान पिता। लेकिन लेकिन इनसे भी महान है इनकी बेटी, मेरी पत्नी पल्लवी, जिसने मुझ जैसे नाचीज नालायक से शादी की है। पल्लवी मिस्टर भंडारी के यहां पली बड़ी, हमेशा खुशी और सुख में रही है। लेकिन जब इसकी शादी मुझसे हुई और ये हमारे यहां बहू बनकर आई, तब पहली बार इसने तकलीफों को महसूस किया। कमल बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहा हूं। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये कह रहा था कि जब पल्लवी मुझसे शादी करके हमारे यहां बहू बनकर आई थी, तब पहली बार उसने तकलीफ को महसूस किया और बस वहीं से उसने औरों की खुशियों को छीनती गई, औरों की सुख पर उसने अपना हक जमाना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि सारे लोग अपनी खुशियां पल्लवी के हाथों सौंप कर दुख की दुनिया में अपना घर बसा लिया। बस इसीलिए इसीलिए आगे चलकर किसी और का घर तबाह ना हो, मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद पल्लवी मेरे साथ नहीं बल्कि अपने पापा मिस्टर भंडारी के साथ रहेगी। कमल जी, तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? आज पहली बार तो मैं होश में आया हूं पल्लवी। आज तक मैं बाबूजी और माँ के फैसले के नीचे दबता रहा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ पल्लवी, लेकिन मैं चुप रहा। और मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मैं बाबूजी के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तुमने क्या सोचा था कि एक बेटा अपनी माँ का आंचल छोड़कर तुम्हारा पल्लो पकड़कर यहाँ चला आएगा? तुमने बिल्कुल गलत सोचा था पल्लवी। किताबों में लिखा है, बुजुर्गों से सुना है कि अगर एक बेटा अपने जिस्म की चमड़ी चीर कर उसके जूते बनाकर माँ और बाबूजी के चरणों पर रख दे, तब भी वो उनके एहसान नहीं चुका पाएगा। पल्लवी, आज के बाद तुम अकेली रहो। तुम्हें इस घर में वो सारी खुशियां मिलेगी जो तुम चाहती थी। तुम हम सबको देखने के लिए पल पल तड़पती रहोगी, लेकिन मैं यहां नहीं आऊंगा। मिस्टर भंडारी, संभाली अपनी बेटी को, इसने जो कुछ भी किया है उसकी यही सजा है। आपको आपकी बेटी मुबारक हो। एक मिनट, मिस्टर कमल विश्वनाथ अग्रवाल, कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, हर बात भुला देता है, लेकिन मैं भंडारी आज की शाम नहीं भूलूंगा। और आपको भूलना भी नहीं चाहिए मिस्टर भंडारी, क्योंकि आज यहां जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि आज के बाद अगर आप या आपकी बेटी जब भी किसी का बुरा चाहे तो आपको ये शाम जरूर याद आ जाएगी। और मिस्टर भंडारी, अगर आपको ये शाम याद आ गई तो आप एक और पाप करने से बच जाओगे। ये वाली साड़ी पैक कर दूं मैडम? ये और ये ब्लू वाली जी।
ठीक है, ये आपकी साड़ी का ब्लाउज पीस और ये ब्लू साड़ी। मैं आपको बिल बना के दे देती हूँ, आप काउंटर पे पेइंग कर दीजिए। संजू, थैंक यू। थैंक यू। ये मैडम की साड़ियाँ तो ले जाओ, पैक करवा दो। पार्वती दीदी, ये सब हटाइए ना, मुझे पूरा काउंटर साफ करना है। अरे अभी 10 मिनट पहले तो पूरी सफाई करके गया, अभी क्या हो गया? अरे मुझे बहुत काम है। रुक जा रुक जा, पहले मुझे ये सारी साड़ियाँ उठाने दे। लो करो सफाई। पता नहीं क्या हो गया इसे, आज सुबह से 10 बार सफाई कर चुका है, ऐसी क्या खास बात है? अरे आज खास बात ही तो है, आज इस दुकान के मालिक जो आ रहे हैं। मालिक आने वाले हैं? मतलब वो जो हमारे काउंटर पे रोज बैठते हैं वो हमारे मालिक नहीं है? वो तो यहाँ के केयर टेकर है, असली मालिक तो आज आ रहे हैं, मिस्टर संजय दोषी। क्या नाम बताया तुमने? संजय दोषी। क्यों, क्या हुआ, क्या तुम उन्हें जानती हो? ये वही है क्या जो नैनीताल में रहते थे पहले? नैनीताल में नहीं, ये तो हमेशा से दिल्ली में रहते हैं। अंजलि जी। हाँ आई। सर आज आई वाज टेलिंग यू कि 6 मीटिंग्स लाइंड अप हैं आज, और मिस्टर गुप्ता आपसे आज शाम को ही मिलना चाहते हैं। He was telling that at 6 o'clock he wanted to meet you. So if it is possible. अरे पार्वती, तुमने संजय सर को विश नहीं किया? आ गए वो? कहाँ पर है? अरे अभी तो यहाँ से गुजरे, वो देखो वो जा रहे। अंजलि मैं घर जा रही हूँ। अरे तुम सर को बिना मिले जाओगी? मैं कभी बाद में मिलूंगी, वो अचानक मुझे याद आया आज वो मुझे श्रुति को लेकर कहीं जाना था, मैं जा रही हूँ। पार्वती। हाँ? तुम जा रही हो पार्वती? जी सर। वाह, न कभी आने में देर न कभी जाने में, गुड, ओके, टेक केयर ऑफ सर, बाय। बाय सर। कमेंट सर। कमेंट सर। सर यहां पर, सर यहां पर आपके सिग्नेचर चाहिए। क्या है सर, एक कलम तक नहीं चलती है, तुम बिजनेस का काम चलाओगे? सॉरी सर, सर मैं अभी पेन लेके आता हूँ। ये रुको। सर मैं, रुको, तो मेरा ब्रीफकेस खोलो, खोलो उसे, खोलो। पार्वती? कुछ नहीं सर, सर आपका पेन। सर वो पार्वती की फोटो आपके ब्रीफकेस में थी, इसलिए मैं। पार्वती? जी सर। तुम पार्वती को कैसे जानते हो? सर पार्वती वो हमारे यहाँ तो काम करती है, हमारे दुकान में। क्या बक रहे हो तुम, पार्वती यहाँ काम करती है? जी सर। देखो सर, देखो ये पार्वती, ये पार्वती यहाँ काम करती है? हा? जी हाँ सर, सर यही पार्वती हमारे यहाँ काम करती है। कहाँ है वो? कहाँ सर? अभी तो वो चली गई सर। तुम शोर हो ना, ये पार्वती यहाँ काम करती है? हा? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सर यही पार्वती है।
पार्वती। ओम जल्दी करो, मुझे देर हो रही है जाने के लिए। हाँ बस दो मिनट। हेलो। हेलो पार्वती, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ अंजलि, मैं बस पहुँच रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड ड्रॉप कर देंगे मुझे, आधे घंटे में पहुँचती हूँ। पार्वती मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि हमारे बॉस संजय दोषी जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ चलो। एक मिनट। हाँ लेट्स गो। अब आप चलिए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे अभी तो कह रही थी जल्दी करो जल्दी करो, अब क्या हुआ, फोन पे शुरू हो गई? नहीं वो। अच्छा ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ, जल्दी करना बस। अंजलि तुम्हें पता है बॉस मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने बॉस के ब्रीफकेस में तुम्हारी एक तस्वीर देखी है। क्या तुम बॉस को पहले से जानती हो? नहीं। हाँ नहीं, मैं नहीं जानती उनको। अंजलि ऑफिस में मेरा नंबर सिर्फ तुम्हारे पास है, प्लीज तुम मेरा नंबर मत देना किसी को। हाँ डोंट वरी। हाँ पार्वती मैं रखती हूँ, हाँ बाद में बात करती हूँ। क्या कर रही है तुम, चलो ना, मैं कब से बाहर वेट कर रहा हूँ। ओम आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगी आज। अरे क्यों नहीं जाओगी, क्या हुआ अचानक? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अजीब सा लग रहा है। अरे तो मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं आप जाइए ना, आपको ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मैं रेस्ट कर लूँगी, ठीक हो जाऊँगी। पक्का? ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं पहुँच कर फोन करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। लेकिन हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने बॉस के ब्रीफकेस में तुम्हारी एक तस्वीर देखी है, क्या तुम बॉस को पहले से जानती हो? कहानी